पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। हमारा निषेध ऐसे नेताओं के लिए है जो महाराष्ट्र के विकास में अड़चन बनना चाहते हैं। हमारे जो गट नेता है यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नजीब मुल्ला साहब, उनके मार्गदर्शन में ये किया गया। असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रफुल्ल पटेल साहब और अजीत दादा पवार साहब के मार्गदर्शन में चल रहा है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में सियासी करवट लेने के बाद अब ठाणे में एनसीपी पार्टी के अजीत पवार ग्रुप के कार्यकर्ता अजीत पवार के समर्थन में सड़क पर उतर गए और विधायक जितेंद्र आव्हाड और जयंत पाटिल के तस्वीरों को पैरों तले कुचलते हुए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीरों को चप्पल से मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि असली एनसीपी पार्टी अब अजीत पवार की है। अब एनसीपी के दो गुट भी हो गए हैं। ठाणे की ये तस्वीर है जहां अजीत पवार के एनसीपी समर्थक कार्यकर्ता वो जितेंद्र आव्हाड और जयंत पाटिल की तस्वीर पर बंटी और बबली लिखकर जो है चप्पलों से मारते हुए ये सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी करवट ली है, अब कहीं ना कहीं एनसीपी पार्टी भी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरह से यहाँ पे आंदोलन किया गया है और आपका क्या आक्रोश हुआ? आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से थाना के अंदर ये एक खुशी मनाई गई है, जो अजीत दादा पवार साहब ने जो पूरे महाराष्ट्र का विकास चाहते हैं, उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री की कल शपथ ली है उप मुख्यमंत्री पद की, उसी की खुशी में आज हम लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांट के उसका जल्लोष जाहिर किया है। लेकिन आज पोस्टर को जूते मार के आपने जो निषेध व्यक्त किया है आव्हाड और जयंत पाटिल, किस तरह? हमारा निषेध ऐसे नेताओं के लिए है जो महाराष्ट्र के विकास में अड़चन बनना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब के फोटुओं पे, यानी कि जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया उसकी वजह से आज हम लोग उसका निषेध करते हुए, जो भी नेता है जयंत पाटिल हो या जो भी नेता हो, उन सबका हम लोग निषेध करते हैं और इसीलिए हम लोगों ने उनको ये किया। नेतृत्व में ये निषेध किया गया, ये ये आज ये आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मार्गदर्शन में हमारे जो गट नेता है यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नजीब मुल्ला साहब, उनके मार्गदर्शन में ये किया गया निषेध है और जो खुशियाँ मनाई गई वो भी माननीय नजीब मुल्ला साहब के मार्गदर्शन में किया गया। आगे चल के राष्ट्रवादी किसका इस तरह से अभी सवाल खड़ा हुआ रहा है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर्व सामान्य लोगों की है, जो शेतकरी है, जो कष्टकारी है, जो कोई महाराष्ट्र के किसान है और इस महाराष्ट्र का विकास करने वाले, इसको आगे लेके जाने वाले अजीत दादा पवार, उनके नेतृत्व में चलने वाली ये पार्टी है और हम लोग उनके साथ है। और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रफुल्ल पटेल साहब और अजीत दादा पवार साहब के मार्गदर्शन में चलते हैं। शरद पवार साहब किस तरह से मान रहे हैं? शरद पवार साहब आज भी हमारे नेता ही है, हम उनका सम्मान करते हैं और आज भी आप लोग देखेंगे चाहे अजीत दादा पवार हो, इस पार्टी के जो भी नेता हो, हर किसी ने शरद पवार साहब को ही माना है और उन्हीं के साथ उन्हीं के विचारधारा पर, जो शाहू फुले अम्बेडकर जो विचारधारा है, बस उसी एक जो सर्वसामान्यों की पार्टी है उन्हीं के विचारधाराओं पे पवार साहब की ये पार्टी आगे चलेंगी अजीत दादा के साथ।